तो जी नए दिन की शुरुआत हो गई है और टाइम आ गया है अब नॉर्थ ऑफ टोरंटो जाने के लिए, यानी कि और ऊपर टोरंटो को ऐसे क्रॉस करते हुए मैनिटोबा स्टेट के अंदर एंटर कर जाएंगे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ कैलगरी अल्बर्टा एक्चुअली और वैनकूवर की तरफ ब्रिटिश कोलंबिया। बट अभी यहाँ पे क्योंकि हमें इसके ऊपर गाड़ी बांधनी है तो हमने इसे आगे किया है, इसमें भी फ्रेश पानी भर लेंगे क्योंकि आज रात को जो है ना हमारा कहीं रुकने का प्लान नहीं है किसी कैंपिंग ग्राउंड में, आज किसी वॉलमार्ट में गाड़ी लगा लेंगे पैसे बचाने ना भाई, क्योंकि पूरा दिन तो आज ड्राइविंग में निकल जाएगा, 8 घंटे की ड्राइव है। बट क्या मैं ये रहा था कि क्योंकि अब इसको लेके जाना है और हमने बाहर रुकना है कैंपिंग ग्राउंड में नहीं, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम अपना फ्रेश वाटर टैंक पूरा भर रहे हैं ताकि जो साफ पानी है वो फ़िल्टर के थ्रू होता हुआ हमारा इसके अंदर भर जाए ताकि आज रात को हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। ब्लैक वाटर टैंक खाली कर देंगे ताकि अगर हम बाथरूम वगैरह जाएँ तो वो भी टैंक फुल हो, और इसको भर देंगे फ्रेश वाटर से फ़िल्टर के थ्रू ताकि अपना पानी वानी की सप्लाई पूरी रहे क्योंकि हमने आज रुकना है बाहर। हाँ जी सर, किस सोच में पड़ गए? नहीं मैं वो सोचा था ये पाइप्स पे लगेगी नहीं, अंदर से कनेक्टर लाना। हाँ ठीक है, फिर कनेक्टर सनेक्टर लगा के पानी शानी पहले भर लेते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है जी, चलो चलो। अब ये फिल्टर में से होता हुआ पानी जाएगा, कार्बन फिल्टर है, साफ होता हुआ सीधा हमारे फ्रेश वाटर टैंक के अंदर। यहाँ पे पड़ोसियों ने फर्स्ट क्लास बढ़िया अपना टेंट वगैरह लगा रखा है। आ रहा है बढ़िया, लीक तो नहीं हो रहा? चलो जी काम बन गया। अब यहाँ पे हमने जी ट्रांसपेरेंट वाला लगा दिया है चेक करने के लिए कि सारा पीला सामान उसमें से निकल जाए, बट मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लोग खाना खाते हुए देख रहे हो। बस अब यही हाईवे लेना है 400 नॉर्थ, यानी कि सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हाईवेज के नाम ना ईस्ट वेस्ट होते हैं, जैसे मथुरा रोड है हमारे यहाँ पे, तो अब मथुरा रोड तो दोनों तरफ ही चल रही है, मगर मथुरा रोड ईस्ट हो या वेस्ट हो तो पता लगता रहेगा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ही है यहाँ पे। तो ऊपर जाने वाला सेम हाईवे होता है 400, उसको बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे जाने वाले को 400 साउथ, तो पता रहता है कि आपको किस वाले पे आना है, एग्जिट के ऊपर लिखा होता है यहाँ नॉर्थ या साउथ, तो ताकि आप सही डायरेक्शन में मर्ज। ये जी यहाँ पे जितने फेंसिंग दिख रही है ना आपको बड़ी जबरदस्त हुई पड़ी, ये सिर्फ इसलिए हुई है कि हिरन आते हैं इन सड़कों पे फुल स्पीड भागते हुए, और गाड़ी 100 की स्पीड पे और हिरन आ जाए तो क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। वैसे तो यहाँ कहते हैं कि ब्रेक नहीं मारनी चाहिए ताकि हिरन ऊपर से निकल जाए, बट इसके तो नीचे ही आएगा ना, तो इसीलिए बचाव ही है जी। अभी हम थोड़ा रुक के खाएंगे क्योंकि एक्चुअली हमने पहले रोका था सडबरी जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, मगर क्योंकि दो दिन जो है वो मेरे ऑटवा जाने आने में वेस्ट हो गए इसलिए सडबरी रुकने का मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो अब अपन जा रहे हैं सीधा आगे सोल सेंट मेरी जो कि यहाँ से कोई 700 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक लग गया, अभी तो निकले ही है मगर ट्रैफिक लग गया।
तो जी ये शहर जहाँ पे हमने आग अभी फिलहाल आरवी रोक दी है, इसका नाम है पैरी, पैरी साउंड पता नहीं करके। और जैसे हम पहले किंगस्टन में रुके थे, दैट वॉज 1000 आइलैंड, दिस इज 30,000 आइलैंड, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी लेक्स और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे 30,000 छोटे छोटे आइलैंड है। बट हमें एग्जिट मिली, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास अभी इसको रोक लिया है, इधर खड़ा कर दिया है, पार्किंग ब्रेक्स ऑन कर लिए हैं, यहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी है, और क्योंकि सरकार के हर जगह पे पिकनिक स्पॉट्स बने होते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। और पैरी की ये बड़ी खूबसूरत लेक है, और मज़ा यही है मोटर होम का कि जहाँ आपको अच्छी जगह दिखे नेचर के पास रोक ली। मगर एक कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, और वो ये कि हमें यहाँ आके पता लगा कि इस रोड से आगे से कोई एग्जिट नहीं है, तो पता नहीं इसको घुमा पाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं घुमा पाए तो हमें गाड़ी फिर उतारनी पड़ेगी, इसको घुमाएंगे और फिर गाड़ी बंधेगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट यही फन है ट्रिप का, क्यों माता जी, एडवेंचर इसी को कहते हैं, एडवेंचर एक्सपीरियंस होगा। हाँ वो देख सामने पीछे पानी एकदम बहुत बढ़िया, तो इसीलिए अभी अब जो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह मेरा टारगेट था टाइम से निकल जाए। अब यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स ऐसे बेंचेस बने होते हैं, यहीं पर अपना फर्स्ट क्लास अंदर से दाल मखनी गर्म हो गया है जो मम्मी ने कल रात को बनाई थी। बाकी आगे की वीडियोज में आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे हम कुकिंग वगैरह करते हैं इसके अंदर, कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं सुबह सारा का सारा। बट फिलहाल जरा हम अगले स्टॉप पे पहुँच जाए। कहाँ जा रहे हैं आज हम? सोल सेंट मेरी। सोल सेंट मेरी करके जगह है जहाँ अपन जा रहे हैं, काफ़ी काफ़ी आगे। अभी तो हम सिर्फ 100 किलोमीटर आए हैं, अभी 500 और जाना है, बट पहले नाश्ता कर लें। बस अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं माइक्रोवेव ऑन करके जनरेटर पे, मगर आज पहले आपको नाश्ते के लिए एक और खास चीज़ दिखाऊँ। क्या भाई? इसको कसते हैं अभी, इसको निकलने से पहले कसेंगे। आ जाओ आ जाओ, आपके लिए फ्रेश नाश्ता है एकदम। ये एप्पल्स? ओ यस, ये लगे हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास बढ़िया सेब। और ऊपर से तो पता नहीं तोड़ना ठीक है कि नहीं है, मगर ताजे ताजे देख पक्के नीचे गिरे हुए हैं। मम्मी ये तो खा सकते हैं ना, ये तो सरकारी है, है ये तो सड़क पे चोरी तो नहीं मानी जाएगी है? ओ, नहीं, ये खाना है जिनको इनपे चक मारा है किसी ने, ये जानवरों ने चक मारे हुए हैं, ये साफ है, ये साफ है, ये देख। हाँ ये वाला बिल्कुल साफ है। ओए होए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी अभी हमने यहाँ पे आरवी लगाई है और नाश्ता करने का बंदोबस्त बस यहीं पे ही तैयार है। माताजी ने फर्स्ट क्लास दाल गरम कर दी है, और क्योंकि ऐसे चलते चलते रोटियाँ छोटियाँ बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, तो हमने रेडी टू ईट नान ले रखे हैं, वो तवे के ऊपर हल्का सा गरम करते हैं और उसके बाद यहीं पे साथ में फर्स्ट क्लास अपना नाश्ता हो जाता है। माता जी फिर खाया जाए, शुरू करो, आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। खाना वाना खा के जी वही प्रॉब्लम होगी जिसका अंदेशा था, अब ये पूरा यहाँ पे कट था ही नहीं, तो हमने इसको घुमाने लगे तो सामने टक्कर पे पहुँच गए, तो इसीलिए अब डॉली के साथ रिवर्स तो हो नहीं सकती, तो अब इसको उतार रहे हैं। थोड़ा टाइम लग गया, काम बढ़ गया, पर करना तो है ही, तो इसलिए इसको हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद इसको बैक करके घुमाएंगे, फिर ये दोबारा चढ़ेगी इसके ऊपर, तब आगे जाएंगे। अब मैं इसको जरा जो है ना रिवर्स करके फिर इसको सीधा करते हैं। डॉली भी निकाल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं। हां डॉली भी निकालनी पड़ेगी, करोगे अभी इधर लग जाएगी डॉली एग्जॉस्ट। हां ये जी मस्कोका, यहाँ का बड़ा ही फेमस हिल स्टेशन, बेसिकली ये नेचर के पास है, जैसे अपना जिस विलेज में हम रहते थे वो टोरंटो ओंटारियो वालों के लिए ये वैसी ही जगह है। जगह बड़ी सुंदर है, सुंदर सुंदर नजारे दिखते रहते हैं यहाँ पे, आपस में झीले वीले कैंपिंग ट्रेल वगैरह आती रहती हैं। बस अब वो जगह आने वाली है जहाँ पे ये लेन डबल हो जाएगी, ताकि जो मेरे पीछे वो जमघट लगा हुआ है गाड़ियों का, क्योंकि मैं तो 90 पे ही चल रहा हूँ, तो ये सारे मेरे को ओवरटेक कर पाएंगे। अब ये आगे हो रही है लेन 2, ये इसीलिए बनी है ताकि लोग ओवरटेक कर सके।
अब हम इस तरफ आ जाएंगे और पीछे जो गाड़ियां पेशेंस से वो लाइन में इंतजार कर रही हैं, सारी रॉकेट की तरह निकलेंगी आगे। ये इधर क्योंकि अपने ने तो स्पीड लिमिट 90 की है, तो 92-95 से ऊपर जाना है नहीं। जिसको जाना है वेट करे, नहीं तो डबल आए तो निकल जाए। बात कर रहा है, मेरे को बाल रिकॉर्ड करते हैं। करना पड़ता है, वही करना पड़ता है। ये साइन आ गया जो बता रहा है कि हिरन आ सकते हैं, इसलिए बच के रहना पड़ेगा क्योंकि हिरन जंगल है। फुल स्पीड कोई आ गया तो हो गया समझो काम, इसलिए थोड़ा अलर्ट। बागीन बाबूजी को देखो क्या फर्स्ट क्लास रिलैक्स बैठे एकदम चिल, लंबी कुर्सी पर टांगे लंबी करके, कमाल है, लाइफ है, लाइफ है सर। 300 मीटर में ये लेन खत्म हो जाएगी, ये साइन है, इसीलिए अब अपन लेन शिफ्ट कर लें। इंडिकेटर देखे, ये इसका मतलब आगे डबल लेन खत्म, वापस अपनी लेन में आ जाओ। अब जो पीछे रह गया भाई सॉरी, पीछे रहो। तो जी मौसम थोड़ा सा ऐसे ही है, बारिश वारिश बीच में हो रही है, इसलिए हम सकभरी तो रुके नहीं क्योंकि नॉर्मल सा ही शहर है, तो थोड़ी मोनोटनी आ जाती है। और हमारा टारगेट है आज तकरीबन 700 किलोमीटर पूरे कर लेने का और किसी वॉलमार्ट के बाहर पड़ाव डालने का, क्योंकि दिन तो हमारा पूरा ही बाहर हो गया है, तो इसीलिए हम किसी पार्किंग लॉट में आज गाड़ी लगाएंगे और वो सेटअप आपको दिखाते हैं। हम भी पहली बार ही ऐसा करने वाले हैं कि जहाँ पे वील हैव टू रिलाई ऑन आर ओन पानी के टैंक और ये सब, तो बाहर खुले में गाड़ी लगा के कैसा एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं। बट अभी 3.5 घंटे की ड्राइव और है। बाकी जी कनाडा के बड़े से मैप में देखा जाए तो मैं चला था टोरंटो के 100 किलोमीटर नॉर्थ से सोल सेंट मेरी की तरफ, जो कि कोई 800 किलोमीटर दूर था। और इसका रास्ता सडबरी से होता हुआ बड़ी बड़ी लेक्स के नजदीक से निकलता है और अगले स्ट्रेच में मुझे जाना था सोल सेंट मेरी से थंडर बे की तरफ, जो कि कोई और 800 किलोमीटर आगे है। बट जूम आउट करके देखें तो अभी तक मैं ओंटारियो स्टेट में ही हूँ और आगे जाना है मैनिटोबा स्टेट की तरफ, जिसमें पड़ता है विनिपेग शहर, जहाँ पे मेरे को निखिल को ड्रॉप करना है और इसको ड्रॉप करके कोई 4000 किलोमीटर और आगे बीच में सस्कैशवन और अल्बर्टा होते हुए ब्रिटिश कोलंबिया तक, और रास्ते में आएंगी एडमंटन और कैलगरी सिटीज। और ये जी अभी एक ट्रेलर पार्क नहीं है, वॉलमार्ट की पार्किंग आई है और वॉलमार्ट क्योंकि लीगली अलाउ करता है खड़ी करने के लिए गाड़ियां, तो इसलिए आज हम इसको यहीं खड़ा कर रहे हैं। पूरा दिन हमारा बाहर हो गया तो हम कैंपिंग ग्राउंड की फीस नहीं भरने वाले आज, $100 जो की होती है, तो इसीलिए बस अब इसको यहाँ पे सेट करना है, उसके बाद खाने की और सोने की तैयारी। और आपको आज ये दिखा दें कि इसके अंदर हम नाइट टाइप सेटअप सोने के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं ट्रेलर आगे खड़े होते हैं और इस जगह पे कई सारी आर्मीज खड़ी हैं, एक वहाँ पे भी है, 2-3 पीछे भी हैं और ये ऑफिशियली वॉलमार्ट अलाउ करता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते एंड ये कस्टमर पार्किंग ओनली है। बट क्योंकि हमारा ये पूरा जो हिसाब किताब है सेल्फ सफिशिएंट है, तो इसीलिए हमारे आज हमने पानी वानी पूरा भर के लाए हुए हैं, टैंक सारी खाली करके आए हुए हैं, तो आज रात को ही रुक जाएंगे। वैसे यहाँ पर लिखा है कस्टमर पार्किंग ओनली 3 आवर्स लिमिट, बट क्योंकि सारे ही खड़े करते हैं तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इसलिए आज यहीं पे। हाँ जी माता जी, फिर कादी तैयारी है, पनीर बना रहे तुम्हारे लिए। कौन सा वाला? कढ़ाई पनीर जैसा कुछ बना दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। I'm
लीजिए सर। थैंक यू सर। एंजॉय सर। जरा चम्मच भी दे दीजिए। चम्मच मिल जाएगी अभी। तो नहीं लेना बेटा। नहीं नहीं नहीं। फाइनली खाना वाना तो हमने खा लिया और अब अगला स्टेप ऑब्वियसली सोने का। ब्रश व्रश करके आ गए हैं सारे, बट अब तैयारी करनी है। तो माता जी फिर अब सानू बिस्तर बनाना है नू। अब बनाओ बिस्तर बनाओ भाई। हाँ। थके हुए हैं, सारा दिन सफर किया है। अब टाइम से सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो ऐसा है कि मेरा बिस्तर तो ना तुम यही बना दो। आप यहाँ सोओगे? हाँ, मैं अकेले सोऊंगी, क्योंकि एक तो तुम अंदर काम भी करते हो देर तक, एडिटिंग करनी पड़ती है ना रात। और उसके बाद सुबह जब रसोई में, मैं तो पहले उठ जाती हूँ और मुझे रसोई में काम करना होता है। चाय शाय मम्मी पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि मम्मी को पता है कि भाई अगर इनका खाना वाना नहीं बनाऊंगी तो ये कहीं ना कहीं रोक लेंगे, बाहर फालतू पैसे भी बर्बाद करेंगे, गंदा खाना भी खाएंगे। तो इसलिए मम्मी सुबह सुबह उठ के अपना जो है नाश्ते वाश्ते की तैयारी कर लेती है। तो ठीक है फिर आज, यानी आप यहाँ से हो गए। वैसे ये वाला बेड भी अच्छा फर्स्ट क्लास बन जाता है, तो अब हम इसको बेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्लास गद्दा लग जाएगा। गद्दा जो है हमने फिलहाल अंदर पीछे खड़ा कर रखा है वॉशरूम के अंदर, वो हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिलहाल मैं इसको पलटा के सेट कर दूँ, ठीक है माता जी? आइए आप बताओ, मतलब हाँ जी, अगर ये गद्दा विदर हो जाएगा तो मतलब मेरे को अंदर सोना पड़ेगा आपके साथ? यस यार, ऐसे थोड़ी होता है। देखो यार, जिस दिन इतनी मेहनत पूरे पूरे दिन करनी पड़ती है बंदे का, नींद जिस दिन मेरा रूटीन खराब हो जाए ना, उस दिन खराड़े आते हैं रात को। बट अब कोई बात नहीं, बेयर करना पड़ेगा आज माता जी ने खुद सोना तो बड़े स्टाइल से जरा अपना बिस्तर सेट कर रही है। मेरे मेरे को बिना तरीके से रखे हुए जमता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, कहाँ भी जमवाओ इनका। तुम तो फैला के रखते हो बिल्कुल। अपनी तो देखो सेटिंग ऐसे ही है छड़ों वाली, मगर कर लेते हैं फिर भी। अभी जगह लिमिटेड है ना थोड़ी सी, तो कई बार मामला टाइट हो जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है। साथ है फिर अकेला थोड़ी है। हाँ ये बात तो ठीक है, मगर अब सीन क्या है कि जैसे अब हम चलते हैं, तो अभी ये मेरी चेयर है वर्क स्टेशन। अभी मैंने यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो मैंने आज अपनी स्क्रीन सेट नहीं करी, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। 11 घंटे गाड़ी में रहे हैं, सुबह 7 बजे के उठे हुए, उसके बाद कोई तकरीबन 700 किलोमीटर की ड्राइव हो गई है और अब फिर वीडियो शूट भी कर रहे हो, तो अब हिम्मत नहीं है आज एडिटिंग करने की। तो बीच में एक दिन की ब्रेक आई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ब्रेक ली थी एडिटिंग के लिए, जो आपको पिछले कुछ दिनों में दिखी होगी। बट अब यहाँ पे जैसे ये चेयर है, तो ये भी पहिए वाली है, तो इसके नीचे हम बैग वैग फंसा के रखते हैं ताकि ये हिले डुले ना, तो ऐसा थोड़ा बंदोबस्त करना पड़ता है। और रात को जो है हम हिसाब किताब ऐसे बना लेते हैं कि सोने के लिए पूरी तैयारी हो जाए। आज अपना माता जी यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट क्लास लग्जरी लाइफ। आ हा हा, मम्मी मेरे को तो आपका बिस्तर देख के जलन हो रही है, इतना बढ़िया बिस्तर सेट कर दिया। और क्या? बढ़िया बिस्तर सेट हुआ है, बढ़िया नींद आएगी, सुबह मैं बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। बस मैं यही बोलने वाला था, as long as नाश्ता बढ़िया मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर पराठे शराठे बनाओगे, क्या खिलाओगे कल? चीले? और यहाँ पे गोभी पता कितने की मिलती है? एक गोभी $4, 200 रुपए की एक गोभी मिलती है भाऊजी। एक तो जी, अगर आपको हमारा छोटा मोटा सेटअप और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर दबाना मत भूलिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन, टाइमली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, हमें मोटिवेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।